myself, Dr. Ruchi Gupta. मैं एक मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ एंड मैं फेलिक्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ. आज मैं आपको बताऊँगी कि कब आपको प्रेगनेंसी में एक मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से ओपिनियन लेनी चाहिए एंड कैसे वो आपका असेसमेंट करते हैं. एक मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट आपको असेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लिनिकल हिस्ट्री, योर फैमिली हिस्ट्री, योर इन्वेस्टिगेशन एंड जो आपके फर्स्ट 3 मंथ में ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड होते हैं उसके बेसिस पे वो आपको एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी या आपकी एक लो रिस्क प्रेगनेंसी है वो ये डिसाइड करके बताता है. एंड एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आप एक मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के अंडर फॉलोअप करेंगे तो ये आपके फ्यूचर आउटकम के लिए अच्छा रहेगा. कैसे वो करते हैं, लाइक क्लिनिकल हिस्ट्री, अगर आपके आपको कोई पहले से कोई ब्लड की दिक्कत है, लाइक आपको आपका लो हीमोग्लोबिन है, आपको थैलेसीमिया है, आपको कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, आपको SLE है, आपको कोई ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत है, लाइक आपको झटके की बीमारी है, आपको कोई हार्ट की दिक्कत है, लाइक आपको बचपन से कोई हार्ट की बनावट में दिक्कत है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपको कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक आपकी डायलिसिस चलती है, आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, तो ये सारे केसेस आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं. अब फैमिली हिस्ट्री कैसे रिलेटेड होती है, लाइक आपके फैमिली हिस्ट्री, लाइक आपके जो फर्स्ट एक रिलेटिव है, लाइक आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, लाइक उनको कोई पहले कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रॉसली डायबिटिक रहे हैं, वो हाइपरटेंसिव है, उनको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, या आपके किसी पहले बच्चा, जो आपको पहले कोई बच्चा हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम है, लाइक उसको कोई डाउन सिंड्रोम है, उसको ऑटिज्म है, उसको लो IQ है, ऐसे सारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में जाती है. ठीक है. एंड पर्सनल अब आपके पे आएंगे तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, लाइक प्रेजेंटली आप कोई ब्लड टेस्ट हुए हैं और उसमें आप डायग्नोज हुए हो, लाइक आपका बहुत थायराइड हाई रहता है, आपका BP आपको हाई आया, आपका शुगर आया है या अदर कोई कॉम्प्लिकेशन आया है, तो वो आपको डॉक्टर आपको आज हाई रिस्क ग्रुप में रख सकता है. अब आते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, जो फर्स्ट 3 मंथ पे होती है. उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग 2 पार्ट में होती है, लाइक अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड ब्लड टेस्ट. अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं बच्चे के चारों तरफ वाटर कैसा है, उसको जो प्लेसेंटा कनेक्ट है वो कैसी कनेक्ट है, किस पोजीशन पे है, बच्चे की जो बनावट है, बेसिक जो बनावट है वो ठीक है या नहीं है ना, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है ना. एंड जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो माँ के ब्लड से करते हैं और उसमें हम बच्चे के लिए ही देखते हैं, लाइक बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एनोमली है, लाइक कोई सिंड्रोम है, कोई अदर एनोमली है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें देख के हम उनको भी हाई रिस्क ग्रुप में रखते हैं. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम फर्दर उनको फॉलो करते हैं, उनकी टेस्टिंग्स करते हैं. तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है और एक लो रिस्क प्रेगनेंसी क्या है.